अब देखो ये जो लिस्ट तुम्हारे सामने है इसमें देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये सबका इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, ये सबका इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये सबका कुछ फॉर्मूला है, ठीक है, कुछ फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला जो है डिराइव करना है हम लोग को, इंटीग्रेशन में जितना सारा सम्स है उसको क्या करना है, डिराइव करना है। नंबर वन देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है। नंबर टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ठीक है, फिर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x का क्या है, log sec x प्लस tan x प्लस c। tan x का क्या है, log sec x प्लस c। cot का क्या है, log sin x प्लस c। cosec का क्या है, log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये चार हम अभी डिराइव करेंगे, ठीक है, ये चार जो है हम लोग अभी डिराइव करेंगे, ठीक है। पहला वाला ये लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखो यहां पे फर्स्ट स्टेप जो है वो है sec x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। क्या है, sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहां पे आया dx। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों किए आप, सर ये क्यों किए आप, जिसका जवाब है ही नहीं मेरे पास, जिसका जवाब है ही नहीं मेरे पास। अगर तुम जबरदस्ती, हमको जबरदस्ती एक तो बता भी देते हैं कि इससे ये फॉर्मूला में बनेगा, ठीक है, इसलिए हम क्या है, तो वो भी क्या होगा, वैल्यू नहीं रहेगा उसका, ठीक है, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो बस क्या है, तुमको ये मान के चलना है कि sec x dx निकालने का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx निकालने का ये एक तरीका है, और जो कि तुमको लर्न कर लेना है। सबसे इजी वाला मेथड जो है ये प्रोसेस को लर्न कर लो, जैसे कि मेरा लर्न है, ठीक है। क्या है, sec x plus tan x divided by sec x plus tan x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखो आगे जाके क्या होगा, ये sec x tan x को t ले लो, ठीक है, ये sec x plus tan x को t ले लो, तब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, दोनों तरफ dy dx लगा दो, dy dx sec x plus tan x लगा दो, ठीक है, इधर भी dy dx लगा दो, t लगा दो, ठीक है। फिर क्या करना है, dy dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x होता है, ठीक है, dy dx ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x होता है, प्लस tan x का क्या होता है, sec square x, ठीक है। अब equals to dt by dx कर दो, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, देखो sec को कॉमन लो, sec को कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा, tan x plus sec x equals to dt by dx, ठीक है। अब क्या बताया था, ये dx का वैल्यू निकालना है, ये dx का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर जाएगा, ये पूरा इधर आएगा, तब dx equals to क्या हो जाएगा, dt by क्या हो जाएगा, sec tan x plus sec x, ठीक है। बुक में देखना कि या कोई भी जहां पे तुम ये देखोगे सोल्यूशन, तो वहां पे देखो यही पे ही छोड़ दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि यहां पे मत छोड़ना, एक स्टेप और निकाल लो, ये dx का वैल्यू निकाल लो और इस वैल्यू को वहां पे बिठाओ, ठीक है। तो इस वैल्यू को अगर वहां पे बिठाओगे, देखोगे कि ये और ये आराम से कट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, sec x, और sec x plus tan x को हम लोग t मान के चला था, तो sec x t, ठीक है, और क्या होगा, इंटू डिवाइडेड बाई क्या होगा, sec x plus tan x, ठीक है, और ये क्या होगा, इंटू dt by
sec x into sec x plus tan x, है कि नहीं? ये देखो ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे sec x plus tan x हम लिखा है तो इसका वैल्यू भी t लिया था, तो यहां पे भी ये काट के t कर देते हैं, तो क्या ये t कट हो जाएगा। और यहां पे भी sec x plus tan x को हम लोग क्या लिया था, t लिया था, तो ये वाला पार्ट भी कट के क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब जितना ज्यादा sec x plus tan x है वहां पे t बिठा दे रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि वही t लिया था, तो जितना जगह t है तो t बिठा दो, क्योंकि यहाँ पे x नहीं रहेगा, क्योंकि dt है, dt मतलब कोई भी x नहीं रहेगा, हमेशा सिर्फ क्या रहना है, t रखना है, तो t हम बिठा दिया, तो सब देखो काट कूट के सॉल्व हो गया। अब क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, log t प्लस, ठीक है। अब ये t का वैल्यू क्या था, log, यहाँ पे क्या है sec x प्लस tan x प्लस c, जो कि प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे देखो sec x प्लस tan x जो प्रूव्ड हो गया। समझ में आया पूरा सम। यहाँ पे हम क्या किए, पहले ये जैसा है लिख लिया, फिर जहां पे sec x प्लस tan x था वो वाला पोर्शन काट के t कर दिया। अब देखो बाकी पूरा t हो गया, ये टी कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ टी बचा था, तो डी टी बाई टी, तो मतलब 1 बाई टी डी टी लिख सकते हैं, तो 1 बाई टी का मतलब क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, और टी का वैल्यू क्या था, sec x प्लस tan x, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलो अब ये tan x का करते हैं, नंबर टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का करते हैं। तो अब देखो पहला वाला, ये tan x dx को हम लोग क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाई cos x, ठीक है। अगर तुम्हारा मानना यह होता कि सर क्यों हम tan x को क्यों लिया ऐसा, क्योंकि tan x को अगर t मान के चलते तो tan x का क्या, अगर डेरिवेटिव निकाल लेते तो क्या होता, अगर वैसे सॉल्व होता कि नहीं, तो यहां पे tan x का तो मेरे पास डेरिवेटिव है ही sec square x, लेकिन तुमको यहां पे देखो क्या प्रूफ करना है, log sec x। अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx सिर्फ रहता है तो तुम तुम्हारा हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये दे देता है कि tan x equals to log sec x plus c, ये प्रूफ करो, अगर प्रूविंग वाला क्वेश्चन में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, sin x by cos x करना है। तो अब क्या करो, ये जो है cos x को t मान लो, क्योंकि नीचे है sin x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, मतलब डेरिवेशन पता है, मतलब इंटीग्रेशन भी पता होगा, ठीक है। तो ये cos x को t मान के चलो, अब बोथ साइड dy dx लगा दो, dy dx cos x equals to dt by dx, हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या है cos x का क्या होगा, होता है क्या cos x का माइनस sin x होता है, ध्यान में रखना माइनस sin x होता है, फिर क्या होता है dt by dx, फिर ये dx को इधर लाओ, dx को इधर लाओ, ये इसको इधर लाओ, तो क्या dt by माइनस sin x। अब क्या करना है, ये वैल्यू को यहाँ पे बिठा दो, इसको और इसको, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई टी इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या था, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, यहाँ पे देखो ये और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको बाहर कर दो, माइनस बाहर हो गया तो क्या हो गया डी टी बाई टी इसके जैसा, तो तब क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी का मतलब क्या होता है, log t का क्या था cos x, log cos x plus c। अब देखो यहां पे माइनस log cos x plus c आया, लेकिन यहां पे क्या था log sec x plus c। अब log का एक तो फॉर्मूला था, यहां पे जो रहता है वो इसका ऊपर चला जाता है, ठीक है, मतलब log x to the power n ऐसा कुछ करके, ठीक है, फॉर्मूला एक तो था इक्वल्स टू क्या हो जाता है n log x हो जाता है, ठीक है, log x to the power n जो होता है तो n log x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सोच लो कि माइनस वन है, तो ये माइनस वन को यहाँ पे भेज दो कि माइनस वन हो गया, यहाँ पे ये माइनस वन को अब यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, तो इसलिए ये कट कर दे रहा है, तो क्या हो गया log cos x इनवर्स ये, और cos x इनवर्स मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं कि वन बाई cos x है ना, cos इनवर्स मतलब क्या है, तो लिख सकते हैं कि वन बाई cos x, तो यहाँ पे वन बाई cos इक्वल्स टू क्या होगा sec ना sec x, तो इसलिए यहां पे आ जाता है log sec x plus c।
अब तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन हुआ कि सर हमेशा ये मॉड के अंदर क्यों होता है, तो मॉड के अंदर होता है इसलिए ताकि लॉग का वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होता है, हमेशा वो पॉजिटिव डोमेन पे होता है लॉग का वैल्यू, इसलिए मॉड लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आया? नहीं आया तो रिमाइंड करके एक और बार देख लो क्या किया हम। ये कॉस माइनस था पहले, तो इसको माइनस वन ले लिया, माइनस वन को यहाँ पे भेज दिया। अब माइनस वन है तो इसका मतलब वन बाई कॉस है, वन बाई कॉस है तो वन बाई कॉस इक्वल्स टू सेक है, तो सेक एक्स लिखा है, बस और कुछ नहीं। ये हो गया प्रूव, समझ में आया? अब देखो चलो कॉट एक्स में आओ। ठीक है, अब कॉट एक्स में आओ, क्या है नंबर थ्री, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डीएक्स। ठीक है, अब कॉट एक्स को टेन एक्स को जैसे किया है वैसे ही सॉल्व किया करो, क्या है उसको उल्टा कर दो, क्या है कॉस बाई साइन, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स डीएक्स। अब ये साइन एक्स नीचे है तो इसको टी ले लो। ठीक है, क्या लेना है साइन एक्स इक्वल्स टू टी ले लो, फिर क्या है साइन एक्स से कॉस एक्स क्या होगा, तो कॉस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डीएक्स। यहाँ पे डीएक्स होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका इसका डेरिवेटिव हो गया है, तो स्टेप जम मत करना। ठीक है, फिर क्या करो, तो कॉस एक्स ये डीएक्स को इधर लाओ, डीएक्स इक्वल्स टू डी टी बाई क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब ये जो है वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन, साइन एक्स का वैल्यू क्या था टी लिया था, इंटू डीएक्स का वैल्यू क्या आया डी टी बाई कॉस एक्स, तो ये काट दो तो क्या आएगा डी टी बाई टी, इसका मतलब क्या आएगा लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी मतलब क्या है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये चेक कर लो आंसर आया कि गलत। ठीक है, सही है, प्रूव्ड। चलो अब लास्ट क्या है कोसेक एक्स डीएक्स। अब देखो हम लोग जैसे सेक को प्रूफ किया था ना, वैसे ही यहाँ पे कोसेक को करेंगे। कैसे, ऊपर नीचे कोसेक जो है ना, कोसेक एक्स ऊपर नीचे क्या करना, कोसेक एक्स कॉट एक्स लगा दो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये वाला खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा चलो दिखा देते हैं। अब क्या आएगा, ये कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को डी टी मान लो, तो क्या होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स का। अब देखो हमारे पास कोसेक एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो पहले एक तो क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस लेके चलना है। ठीक है, तो पहले इसको माइनस लेके चलना है, तो माइनस ले लो, तो माइनस यहां से कॉमन लो, तो क्या आएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल्स टू टी, अब डिफरेंशिएट करो। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दो, कोसेक एक्स का आ गया कॉट एक्स का आ गया, तो अब क्या होगा माइनस आएगा बाहर, तो कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, अब इसका क्या आता है माइनस कॉट एक्स का क्या आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो है इसको क्या करना है कोसेक एक्स को बाहर लो, तब क्या आएगा कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहां पे एक माइनस रहेगा, ठीक है, यहां पे माइनस होगा तब ना जाके ये प्लस हो जाएगा। तो अब क्या है डीएक्स निकालना है, तो क्या होगा डीएक्स इक्वल्स टू क्या होगा डी टी बाई माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। तब क्या इसका वैल्यू भी टी लिया था हम लोग, तो टी लेके बिठाना है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स ये जो है टी बिठा दो, कोसेक एक्स टी, अब डिवाइडेड बाय ये जो है फिर भी टी है बिठा दो, अब इंटू डीएक्स जो है वो क्या हो जाएगा डी टी बाई क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स, ये जो है पूरा टी है तो टी। समझ में आया? अब क्या होगा, ये देखो ये जो पूरा है ना ये और ये पूरा कट जाएगा टी के साथ, है कि नहीं, पूरा सेम है तो कट जाएगा टी के साथ। अब क्या होगा माइनस बाहर आएगा तो डी टी बाई टी,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log माइनस log t प्लस सी। तो माइनस log t का मतलब क्या है, cosec x प्लस cot x प्लस सी। अब देखो यहाँ पे cosec x प्लस cot x प्लस सी आया है, लेकिन हम लोगों का आंसर किसमें लेके आना है, हम लोगों का आंसर किसमें लेके आना है, cosec x माइनस cot x करना है ना। ये इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, ये जो होता है वन हो जाता है, डिवाइडेड बाय ये प्लस नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, ये जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। कैसे, ये माइनस को अगर हम यहां पे लाएंगे, ये माइनस को यहां पे लाया, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस को, ये माइनस वन था तो यहां पे लाया, तो ये वन बाई हो गया, है कि नहीं। तो ऊपर जो वन था वो वन को हम ऐसे लिखा है, ठीक है, समझो। यहाँ पे देखो, समझ में आया कि नहीं, फिर से बता रहे, यहाँ पे जो है ना माइनस लॉग, ये जो है ना कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स था, ये माइनस वन था तो इसको यहाँ पे लेके आया माइनस वन। अब इसको काट दो, तब क्या होगा, वन बाई ये हो जाएगा, लॉग वन बाई ये हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस सी। अब ये जो वन है, ये वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि इक्वल्स टू वन है, ये क्लास टेन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको ए प्लस बी में ब्रेक कर दो, ठीक है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी, उसमें अगर करोगे तो देखो ये प्लस वाला पार्ट कट जाएगा, तो सिर्फ माइनस वाला पार्ट रह जाएगा, ठीक है। तो लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और नीचे क्या होगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा ना, तो देखो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही हम लोग का लाना था, तो प्रूव्ड। समझ में आया, अगर नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा पूरा एक और बार, ठीक है, दो तीन बार रिवाइंड करके देख लो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर भी ध्यान रखना, हम ये स्टेप के बाद ये, ठीक है, ये स्टेप के बाद ये किया है, फिर इसके बाद यहां पे आया है, ठीक है, मतलब इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो इजी होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो प्रूव्ड हो गया, कुछ सम्स देखते हैं। अब देखो ये सब का फॉर्मूला जो है अलग एक कॉपी में लिख लिया करो, तो उससे लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो और ये इंटीग्रेशन जो है ये भी याद रखना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट।